अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं सीएनएस के। तो इसके अंदर आ जाएगी एंटी साइकोटिक ड्रग्स वगैरह पढ़ते हैं, या एंटी शिजोफ्रेनिक ड्रग्स जो होगी वो हम पढ़ते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं साइकोफार्माकोलॉजी। इट इज डिटेल स्टडी ऑफ ड्रग। इसके अंदर हम ड्रग की डिटेल से स्टडी करते हैं इफेक्ट्स साइकी और माइंड। जो हमारे साइकी और जो माइंड के अंदर होगी उसे कहेंगे साइकोफार्माकोलॉजी। साइकोट्रॉपिक ड्रग, ड्रग एलर्जिक मेंटल फंक्शनिंग इसके अंदर आ जाएगी, एंड उसे कहेंगे साइकोट्रॉपिक ड्रग वगैरह आ जाएगी। इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन, इसके अंदर एंजाइटी वगैरह कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एलिवेशन ऑफ मूड भी होगा, एंड दीज आर क्योर द फ्लोइड ड्रग्स। एंटी साइकोटिक हो जाएगी, इसके अंदर एंटी एंजाइटी ड्रग्स देखने को मिलेगी। क्लासिफिकेशन के अंदर फिनोथाइजाइड डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, एल्कोहल ओप्रोमाइजाइन प्रोमाजामाइन एंड फ्लोरोफिनाजाइन एंड थायोडाजाइन वगैरह देखने को मिलेंगे। एंजियस वगैरह इसके अंदर भी मेडिसिन आपने याद करनी है। तो इसके अंदर ये सारी जो मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो आगे अब इसके पासिव सिम्टम्स की हेलुसिनेशंस, थॉट डिसऑर्डर्स एंड बेजियर बिहेवियर वगैरह आप याद करने हैं। एंड एक्टिव सिम्टम्स के अंदर फ्लैट डिफेक्ट्स, पॉवर्टी ऑफ स्पीच एंड अनमोटिवेशंस एंड सोशल विड्रॉल, यहाँ पे नेगेटिव सिम्टम देखने हैं, याद करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो आगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है, एंटी प्रेशर ड्रग। ठीक है, ये जा क्या करेगी, सबसे पहले जा ये जो ड्रग्स है ये एलिवेट कर देगी मूड को, एलिवेट मूड ऑफ पेशेंट एंड यूज टू द मेंटल डिप्रेशन। ठीक है, जैसा कि पिक्चर में शो हो रहा है, जाकर ये एलिवेट मूड को जाकर ये डिप्रेस करेगी। और इसके अंदर क्लासिफिकेशन आ जाएगी मोनोसाइक्लिक आ जाएगी, बाइसाइक्लिक वगैरह आ जाएगी और ट्राईसाइक्लिक वगैरह आ जाएगी। तो ये सारे इसके आप ड्रग जो है आपने याद कर दी है, ठीक है, ऊपर लिखी हुई है। हेट्रोसाइक्लिक भी आ जाएगी, अमाइनो एमबीओ बीओ इनहिबिटर्स एंड सेप्टोअमेटिक्स स्टिमुलेट्स एंड सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स वगैरह आ जाएगी। तो आगे आगे इसके अंदर जो मैकेनिज्म इसके अंदर आ जाएगा, सीएनएस स्टिमुलेट्स, मिथाइल फिनोडेट्स एंड डेक्सो एमेटिमाइन आ जाएगी, ये सीएनएस की स्टिमुलेट्स आ जाएगी। इसके अंदर जो ट्रीटमेंट होगा, इसके अंदर नार्कोलेप्सी देखने को मिलेगा और एपिटाइट कंट्रोल देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर एटिपिकल इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ओलो एनजीपाइन क्लोजीपाइन एंड रिस्पराइडोन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और आगे इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेना आपने, उसकी टॉक्सिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट गेन होगा पेशेंट का एंड एंटीकोलिनर्जिक फीवर देखने को मिलेगा एंड फीवर देखने को मिलेगा, और बाइपोलर डिसऑर्डर जो इसके अंदर होगी वो लिथियम की वजह से देखने को मिलेंगे। तो वो क्या होगा, ड्रग इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा, रीसाइक्लिंग ऑडियोलॉजिकल मेमोरीज देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर फिर क्या होगा, ट्राइफॉस्फेट डाइग्लिसरॉल देखने को मिलेगा, और इसके जो बोर्ड स्टेबलाइजर्स हो जाएंगे, ब्लॉक्स रिप्लेस हो जाएगी एंड अक्यूट बेडिक इवर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, टॉक्सिटी के अंदर लिथियम ट्रीमर्स सडेशंस एडिमा हार्ट फेलियर, प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, पोलियूरिया आ जाएगा, हाइपोथायरायडिज्म हो जाएगी। तो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं।